नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर कोरोना की सुस्ती के संकेतों के बीच मुक्ति धामों पर अंतिम संस्कार की भी संख्या घट गई है। रविवार को शमशान घाटों पर 424 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि प्रमुख मुस्लिम कब्रिस्तानों में 21 जनाजे सुपुत्र खाक किए गए। साथ ही साथ घाटों पर दिन ढलने के बाद भी शव पहुंचते रहे। भैरव घाट विद्युत सप्ताह में देर रात तक शवों का अंतिम संस्कार चलता रहा। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को रात 9 बजे तक भैरव घाट विद्युत सप्ताह गृह में कोरोना संक्रमित मरीजों समेत 68 शव पहुंचे थे। इनमें से 16 का बिजली और 49 लकड़ियों से किए गए। 3 का अंतिम संस्कार देर रात तक चलता रहा। भगवत दास घाट विद्युत सप्ताह गृह में 9 शवों का अंतिम संस्कार बिजली और 28 का लकड़ियों से अंतिम संस्कार हुआ था। चले जानते हैं कानपुर में कहां पर कितने शव आए थे। 68 भैरव घाट शमशान घाट में, 60 भगवत दास विद्युत सप्ताह गृह, 9 भगवत दास शमशान घाट, 28 सिद्धनाथ घाट, 42 स्वर्ग आश्रम, 50 बिठूर, 79 ड्योढ़ी घाट, 52 नजबगढ़ घाट, 20 गौशाला, नारायणपुर, नागपुर, डोमपुर में 16 शव गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।